Hello everyone, welcome to the Mess Warrior. Today I am here to tell that why I should not join Indian Post Office. जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि GDS पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोगों को ले जाने पड़ते हैं, वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने कल जान लिया था। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैंने ये GDS को ज्वाइन क्यों नहीं किया। देखिए, दो कारण है। पहला, जिस डिवीजन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था वह मेरे घर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर था और तब मैं एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा था, जिससे ये मैनेज नहीं हो पाता। आप लोग भी जानते हैं कि 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, इसमें पूरा दिन निकल जाता और मैं तैयारी भी दूसरी नहीं कर पाता। पर अगर यही डिवीजन मेरे घर के अप्रॉक्स अराउंड 10 किलोमीटर होता, 10 से 10 to 15 किलोमीटर होता, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी का कितना क्रेज रहता है, आप लोग भी जानते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको वो बताना चाहूँ, GDS पोस्ट के लिए एक एडवांटेज है, ये आपको सिर्फ 4 घंटे की जॉब होती है। इसमें आप सिर्फ 4 घंटे जाइए और ऑफिशियली काम होता है, कोई फील्ड का काम नहीं होता है। पर अगर आपके यहाँ पोस्टमैन है तो आपको कोई फील्ड का काम नहीं होगा, अगर पोस्टमैन नहीं है तो आपको फील्ड का काम थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है और ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। और 4 घंटे की जॉब होती है, मतलब आप जाइए और आपके अगर 15 किलोमीटर अराउंड है तो आप 1 घंटे में जाएंगे, 1 घंटे में चले आएंगे, आप बाकी दिन आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलता है। इससे आप दूसरी भी तैयारी कर सकते हैं, दूसरे में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होता है, फील्ड का भी कोई काम नहीं होता है, आपको बस जाना है और ऑफिशियली थोड़ा बहुत 4 घंटे जो काम हो आप करिए और घर आ जाइए। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। और तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप लोग ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ दूसरी भी तैयारी करते रहें और पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से भरें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस से ही आपको डिवीज़न अलॉट होते हैं, उसी हिसाब से आपको डिवीज़न मिलेंगे। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को ये पता चले कि GDS आखिर होता क्या है। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।